विजेंद्र जी, आप कह रहे हैं मोदी सरकार वर्सेस कांग्रेस सरकार, लेकिन आपकी बात सुनकर कोई कहेगा विजेंद्र तो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था इन 2019, यू कॉन्टेस्टेड फ्रॉम दिल्ली। अब ये कहा जा रहा है साक्षी मलिक को अब कांग्रेस लड़ा सकती है हरियाणा से, तो एक तरह से ये जो लड़ाई हैज बिकम बीजेपी बनाम कांग्रेस, मोदी सरकार वर्सेज कांग्रेस रादर देन एथलीट्स वर्सेज ब्रिजभूषण सिंह। क्या ये प्रोटेस्ट जो है अब पूरी तरह से राजनीतिक बन गया है और बन सक और भी बनेगा? सर, ये हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। और राजनीति आपको ही मालूम है सर, हर जगह पे है। कौन कहता कि कहाँ नहीं है सर, ये बताइए मेरे को पहले तो। और नंबर वन, वो कहते कि टिकट लेगी नहीं लेगी, फ्यूचर का किसको मालूम सर, क्या हुआ क्या बताओ। बीजेपी चुनाव लड़ ले फिर क्या हुआ सर, तो उसकी भी तो गारंटी दो ना। अभी भाई कल मेरे को कहते भी मैं कांग्रेस ही हूँ, कल मैं किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ दूं तब उसका क्या होगा कि फिर दूसरी पार्टी देगी। सर ये चेंज कर रहे हैं सर, जो असली मसला है खिलाड़ियों का मसला है, उनको परेशान करने का मसला है, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट का मसला है, उससे ध्यान भटका के आपको कांग्रेस वर्सेज उसमें कर देते सर बीजेपी में। वो लग गए, उसके बाद वो सब चीजें चलती रहती हैं। वो कही भैया तुमने ऐसे किया था, तुमने वैसे किया था, लेकिन जो जो खिलाड़ियों का मसला है वो वैसा का वैसा ही है। उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था नहीं हुआ था, वो सब चीजें कोर्ट में है, लेकिन उसके बाद भी सब चुनाव हुए और दोबारा से फिर जीत जाता है। तो बेचारी तंग होके उसने अपना कहते कि भैया मैंने छोड़ ही दिया, अभी जो तुम्हें करना है तुम करो। तो अभी वो बेचारी कहाँ पर जाएगी सर। नहीं, कहां जाएगी? आपकी बात बिल्कुल सही है, गुस्सा आता है और वो इमेजेस देखकर मुझे भी गुस्सा आता है कि एक ओलंपिक रेसलर की बात एक तरह से सुनी नहीं जाती है, लेकिन बाकी खिलाड़ी कहां है? आपने अपनी बात रखी, वेर आर ऑल आर अदर फेमस स्पोर्ट्स पर्सन? उनका साथ बहुत कम लोग दे रहे हैं। क्या सरकार का डर है इसलिए लोग बोल नहीं रहे हमारे विमेन रेसलर्स के साथ? नहीं, सर डर नहीं है, डर नहीं है सर। बेचारे सरकारी नौकरी में है ना, हरियाणा में आधे ज्यादा जितने प्लेयर हैं, जितने बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन सब गवर्नमेंट जॉब में है। और गवर्नमेंट जॉब में सर कोई एक आवाज उठा देता ना, मेरे भी कहते हैं शो कॉज नोटिस हुआ था, इसलिए मैं नौकरी छोड़ दी सर। अब मैं जो चाहे आपसे बात कर सकता हूँ, कभी भी कर सकता हूँ, जो मेरे को अच्छा लगता हूँ मैं बात कर, जो बुरा लगता हूँ नहीं। तो आधे से ज्यादा प्लेयर सरकारी नौकरी में है सर, और सबके सब जो खिलाड़ी होने के नाते कहते हैं कि जो अच्छा खिलाड़ी है उसको सब मालूम है कि इतना बड़ा लेवल, ओलंपिक लेवल सर, बहुत हार्डली कहते हैं नंबर्स के मेडल है हमारे हिंदुस्तान के पास, और उस तरह के साथ वो कहता है कि भाई मेरे को न्याय नहीं मिला इसलिए मैं कुश्ती छोड़ रहा हूँ, तो एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरे खिलाड़ी सबके सब कहते हैं सर ऑफ द रिकॉर्ड आप उनसे बात कीजिए तो आपको बता देंगे कि वो बेचारे कितने परेशान है। बृजभूषण सिंह जी, विजेंदर एक आखिरी बात, बृजभूषण सरन सिंह के आदमी जैसे मैंने कहा चुनाव जीत जीत गए हैं, क्या ये लड़ाई अब खत्म? क्या आपको लगता है कि अभी भी इनको न्याय मिलेगा, इन रेसलर्स को न्याय मिलेगा, ये लड़ाई जारी रहेगी? सर न्याय मिलना चाहिए, लड़ाई तो कहते वो तो मेरा काम है सर, वो पंच मारना और कहते कि वो सब चीजें करना तो, लेकिन लड़ाई कहते बेचारे इनकी पहले भी किसी से नहीं थी ना। ये कहते जब पहले दिन से बैठे तब भी ये लोग बोल रहे थे कि भैया हमें सिर्फ हमारी ये लड़ाई की हमारी सुनी जाए, हमारे साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, दूसरी चीजें हुई हैं, उसका हमें न्याय मिले। दैट्स इट, हमारी लड़ाई इन्होंने पहले भी कहा था कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है, कोई राजनीति इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन सब चीजों धीरे धीरे वो सब लोगों ने कर दिया उसमें अंदर डाल जानबूझ के उसको तोड़ने के लिए, और फाइनली कहते हैं कि सब चीज यहाँ आ गई। तो आई थिंक सर हम इनके साथ और आगे भी रहेंगे। या